महाराजगंज क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी टॉप 20 में शामिल था। जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उस पर सिवान ही नहीं बल्कि गोपालगंज जिले तक मामला दर्ज है, जिसका नाम विजय साहनी उर्फ लंबू, पिता महेश साहनी, गांव लधी बाजार, थाना गरियाकोठी बताया जा रहा है। महाराजगंज डीएसपी पुलिस कुमार ने टॉप 20 सरगना अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक टास्क फोर्स टीम गठित कर इस अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर टॉप 20 अपराध कर्मियों की सूची में शामिल अपराधी विजय साहनी उर्फ लंबू टॉप 20 सरगना अपराधी विजय साहनी के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक के साथ सादिकपुर में घूम रहा था। टास्क फोर्स टीम ने गरियाकोठी थाना अध्यक्ष के सहयोग से उसे पकड़ा गया। डीएसपी पुलिस कुमार ने बताया कि टॉप 20 में शामिल सरगना अपराधी पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इस अपराधी के ऊपर जामू बाजार, गरियाकोठी, जीबी नगर, सिवान, बैकुंठपुर और गोपालगंज में दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी कर बिक्री कर ली गई। इस अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहा। तो दो रोज पूर्व इसका एक साथ ही हथियार एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस टॉप 20 अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। इस संदर्भ में महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फौरस कुमार ने बताया कि इस अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी। मोटरसाइकिल गिरोह का एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है जो कि पेशेवर है, जिसका नाम है विजय सहनी उर्फ लंबू। ये लद्दी बाजार गोरियाकोठी क्षेत्र का रहने वाला है। इसका जो कार्य क्षेत्र था वो जामो थाना, जीवी नगर, गोरियाकोठी और गोपालगंज का एक बैकुंठपुर थाना है। इन सब क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर इनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप के लड़कों के माध्यम से ये बड़े स्तर पर मोटरसाइकिल चोरी करता है और उसे अपराध के क्षेत्र में इस्तेमाल करता था। ये अंतर जिला गिरोह का एक सरगना है, जिसका नाम है ये विजय सहनी उर्फ लंबू। हमें बहुत दिनों से इंटेलिजेंस इसके बारे में हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। इसी के क्रम में हमें यह पता चला कि गोरियाकोठी थाना क्षेत्र में यह घूम रहा है, हथियार के साथ घूम रहा है। इसी के क्रम में इस इंटेलिजेंस के आधार पर हमने SHO गोरियाकोठी सूरज कुमार को एक टीम बनाया। टीम बनाकर इसे पकड़ने हेतु एक छापेमारी दल का गठन किया। उसके बाद यह व्यक्ति जो है विजय सहनी उर्फ लंबू, पूर्व में भी पकड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे कुछ साथी पकड़ाए थे, लेकिन कल हमें सफलता मिली इस संदर्भ में। और साथ ही साथ जो चोरी का जो मोटरसाइकिल है वह भी बरामद हुआ, इसके साथ एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से हमने एक बड़े जो गैंग है उसे खत्म करने का प्रयास किया है। इसमें चोरी का एक मोटरसाइकिल है और एक देसी कट्टा है और एक जिंदा गोली।